और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 150 सीसी के सेगमेंट में आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल 150 सीसी की बाइक्स का कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। मार्केट में आपको बहुत सारी 150 सीसी की बाइक्स अवेलेबल होने लगी है, जिसके कारण सभी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मुझको अपाचे RTI लेनी चाहिए या फिर R15 V3 लेनी चाहिए या फिर मुझको जिक्सर लेनी चाहिए। तो आज हम मेनली 6 से 7 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके बजट के लिए सही रहेगी, कौन सी बाइक में आपको अच्छा माइलेज और परफॉर्मेंस मिल सकता है, और हम लुक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बाइक का लुक्स सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर है। तो पहले हम बात करेंगे फुली फेड बाइक्स के बारे में, जो कि है यामाहा R15 V3 और दूसरी है सुजुकी जिक्सर SF150। होंडा CBR 150R की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। दोस्तों, R15 V3 का लुक्स यहाँ पर काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर है जिक्सर के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि जिक्सर का लुक्स स्पोर्टी नहीं है, पुराने मॉडल के मुकाबले न्यू मॉडल में काफ़ी अच्छे लुक्स रिलेटेड अपडेट किए हैं। LED हेडलैम्प इसमें आपको मिलता है और भी कई सारे फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। लेकिन जब R15 V3 2017 में इंडियन मार्केट में आई थी, तो इसने बड़ी ही आसानी से RS 200 और Duke 200 को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि इस बाइक का जो लुक्स था उसने पूरे ही इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया था, और इसको हम यामाहा की बेस्ट सेलिंग और सक्सेसफुल बाइक भी कह सकते हैं। भाई लोग, पावर के बारे में बात किया जाए तो R15 V3 में आपको 155 cc का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 19.3 PS एट 10,000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14.7 Nm एट 8,500 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। यहीं सुजुकी जिक्सर SF में आपको सेम 155 cc का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 PS एट 8,000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14 Nm एट 6,000 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो R15 V3 में आपको ज़्यादा पावर मिलती है, जिससे आप स्पीड राइडिंग भी कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको R15 V3 में मिलते हैं लेकिन जिक्सर SF में नहीं मिलते हैं। जैसे कि R15 V3 में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी रिलेटेड फीचर है आप सभी के लिए। लेकिन जिक्सर SF 150 में आपको नॉर्मल सिंगल चैनल ABS मिलता है, और V3 में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो बहुत ही जल्दी इंजन को अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आता है, और जिक्सर में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो इंजन को वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में टाइम लगाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर एक फुली फेड बजट बाइक देखें तो सुजुकी जिक्सर SF 150 एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका प्राइस है 1,10,000 एक्स शोरूम। और अगर आपको एक लुक्स रिलेटेड बाइक चाहिए, परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, जिसके लिए आपका बजट है 1.5 लाख, तो R15 V3 बहुत ही शानदार ऑप्शन है। और दोस्तों, इसी प्राइस सेगमेंट में आपके पास एक और फुली फेड बाइक का ऑप्शन है, लेकिन वो 150 सीसी की नहीं है, वो है 125 सीसी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KTM RC 125 के बारे में। दोस्तों, लुक्स के मामले में इस बाइक का कोई जवाब नहीं। मान लीजिए आपके सामने R15 V3 है, जिक्सर SF 150 है और RC 125 है, तो आप सभी का सबसे पहला अट्रैक्शन RC 125 की ओर जाएगा, और RC 125 का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। 125 सीसी का इंजन होने के बाद भी इसमें आपको 14.5 bhp का पावर मिलता है, जो सीधा सीधा जिक्सर SF 150 को टक्कर देता है। लेकिन इस बाइक का प्राइस इसके सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1.5 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बजट बाइक तो नहीं है। लेकिन फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे दिए हैं। लेकिन मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि इन तीनों ही बाइक्स में से R15 V3 एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि फुली फेयरिंग में आपको कौन सी बाइक पसंद है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेकेड बाइक्स के बारे में, कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स के बारे में। तो अगर आप लोग लुक्स रिलेटेड बाइक ढूंढ रहे हो तो आपके पास 150 सीसी में 4 बाइक के ऑप्शन है। पहली है TVS अपाचे RTR 164V, दूसरी है सुजुकी जिक्सर 150, तीसरी है यामाहा MT 15 और चौथी है यामाहा FZS वर्जन 3।
तो इन चारों ही बाइक्स में से जिस बाइक का लुक्स सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर है वो है यामाहा MT-15। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको मॉन्स्टर डिज़ाइन में हेडलैम्प मिलता है और शार्प एज एक्सटेंशन मिलते हैं। लेकिन ये हायर सेगमेंट की बाइक है इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम मिड रेंज बाइक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर यामाहा FZS वर्जन 3 का लुक काफ़ी स्पोर्टी है, लेकिन ये फ्रंट से और रेयर लुक से इतनी स्पोर्टी नहीं दिखती है। इसके मस्कुलर टैंक की वजह से बाइक स्पोर्टी दिखती है, क्योंकि इसका टैंक काफ़ी बड़ा है इसलिए बाइक हैवी लुक प्रोड्यूस करती है। इसलिए लुक्स के मामले में मैं इस बाइक 10/6 दूंगा। लेकिन अब जो हमारे पास दो बची हुई बाइक्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देती है, क्योंकि जब जिक्सर का ओल्ड मॉडल लॉन्च हुआ था तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो 2019 मॉडल आया है जिक्सर का, उसने अलग ही तहलका मचा दिया है। सुजुकी ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि LED हेडलैम्प, स्प्लिट सीट, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और शार्प एज एक्सटेंशन, जो बाइक को एक स्पोर्टी अपीयरेंस देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन ब्रदर्स को आज भी अपाचे RTR 164V काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये बाइक हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है और इस बाइक में आपको वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, RTR 164V की एक खासियत ये भी है कि ये लॉन्ग लास्टिंग बाइक है, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड की बाइक है और अगर आपकी बाइक डैमेज भी हो जाती है तो इसके पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लग दूसरे ब्रांड की बाइक्स के मुकाबले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग RTR 164V को लेना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, अब बजट बाइक्स के बारे में बात करेंगे जो 1 लाख के अंदर में आ जाएगी। तो आपके पास बजट बाइक्स में भी 4 ऑप्शन हैं। RTR 164V, इसका प्राइस है 83,000 एक्स शोरूम दिल्ली। पल्सर 150 UG5, इसका प्राइस है 88,000 एक्स शोरूम दिल्ली। जिक्सर 150 का प्राइस है 1 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। और पल्सर 150 नियोन का प्राइस है 71,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आपका बजट कम है और आप विलेज एरिया में रहते हो तो आपके लिए पल्सर 150 नियोन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस बाइक में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपके यहाँ की सड़कें ख़राब भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस बाइक में आपको कहीं से कहीं तक ऑयल लीकेज की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लुक्स वाली बाइक ढूंढ रहे हो तो आपके लिए RTR 164V और पल्सर 150 UG5 एक अच्छा ऑप्शन। अब यहाँ पर हमने जिक्सर के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है और ये अभी अभी इंडियन मार्केट में आई है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना तो श्योर है कि इस बाइक से आप अराउंड 40 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। लास्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में कि कौन सी बाइक का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस में 3 बाइक है, पल्सर 150 नियॉन, यामाहा FZS वर्जन 3 और पल्सर 150 UG5। अब इसमें से जो पल्सर नियॉन है और UG5 है वो इंडियन ब्रांड्स की बाइक है और FZS वर्जन 3 जैपनीज ब्रांड की बाइक है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर इंडियन ब्रांड की बाइक है तो पार्ट्स सस्ते मिलेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा। लेकिन जो FZS वर्जन 3 है वो आउटर कंट्री की बाइक है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंजन रिलायबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो पल्सर का इंजन 1 से 2 साल में डाउन हो जाएगा और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जो यामाहा का इंजन रहता है वो काफ़ी फ्रीली वर्क करता है और कोई भी वाइब्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आपको फील नहीं होगी। अब माइलेज के बारे में बात किया जाए तो पल्सर नियॉन और UG5 में आपको सेम इंजन मिलता है जो कार्बोरेटर पर वर्क करता है और इससे आपको अराउंड 40 टू 45 तक का माइलेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ FZS वर्जन 3 में आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो माइलेज को इंक्रीज कराने में हेल्प कराता है और इसी की वजह से आप FZS से अराउंड 45 टू 50 प्लस तक का माइलेज गेन आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों, हायर सेगमेंट की नेकेड बाइक्स के बारे में बात किया जाए
तो वो है यामाहा MT-15 और इसको हम कॉम्पिटीट करेंगे KTM ड्यूक 125 से। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आप 150 cc की बाइक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हो लेकिन फिर भी 125 cc की बाइक को ऐड क्यों कर रहे हो, तो ये डाउट भी मैं आप सभी का क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं KTM ड्यूक 125 को होंडा CB शाइन से कंपेयर करूँगा तो काफ़ी अजीब सा लगेगा, फिर तो ये वही बात हो जाएगी कंपेयरिंग आईफोन विथ एंड्रॉयड। अब ऐसा नहीं है कि 125 cc का इंजन है तो फीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे। पहले तो दोनों ही बाइक्स का प्राइस सेगमेंट सेम है, अराउंड 1.37 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और ड्यूक 125 में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसमें आपको मिलता है, और दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और आप दोनों ही बाइक से अराउंड 50 प्लस तक का माइलेज गेन कर सकते हो। सो आई होप कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और इन सभी बाइकों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।